गुड मॉर्निंग गाइज गुड मॉर्निंग अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू यूल्टी फोर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आ जाइए फटाफट फड़ से लाइव आ जाइए फिर करते हैं शुरुआत आज के हमारे सेशन की और देखते हैं जरा आज कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपकी एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से जिसमें बचा है सिर्फ एक हफ्ता मात्र एक हफ्ता बचा है आपके एग्जाम में ठीक है तो अभी मैच भी खत्म हो चुका है तो बहुत सारे लोग तो आजकल मैच देखने में बिजी थे भाई हो गया अब नहीं देखना चलो ठीक है तो चलते हैं फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और आज का ठीक है रेडी <laughs> सब लोग ऑडियो वीडियो सब क्लियर है एक बार जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आप सभी को ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है सो दैट वी कैन स्टार्ट सेशन ठीक है सब बढ़िया और आप लोग ठीक हो अच्छा आधे लोग तो इसलिए मैच देखने नहीं आ रहे थे सॉरी क्लास में नहीं आ रहे थे क्योंकि वो मैच देखने में बिजी थे अब वो लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि वो दुख में डूब गए हैं अरे देवा रे देवा ये दुख है कि कभी खत्म ही नहीं होगा चलो भाई जो आए हैं वो पढ़ लो फर्स्ट क्वेश्चन सीबीआई के अंदर न्यू डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ था आपसे पूछा जा रहा है इनका नाम क्या है सीबीआई के अंदर क्या है न्यू डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया गया आपको बताना है इनका नाम बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर वेरी गुड मॉर्निंग रोहन गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग बाकी सभी को भी प्रवीण सूद होगा इसका करेक्ट आंसर ठीक है तो प्रवीण सूद जो है ये सीबीआई के अंदर एज अ न्यू डायरेक्टर इनको अपॉइंट किया गया है ठीक है तो कितने साल के लिए अपॉइंटमेंट हुआ था इनका दो साल के लिए ये अपॉइंटमेंट किया गया था ठीक है दो साल के लिए जो है सीबीआई के डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है नेवल वॉर एक्सरसाइज है जिसका नाम है समुद्र शक्ति इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ये जो एक्सरसाइज है वो कौन सी दो कंट्रीज के बीच में कंडक्ट की जाती है ये आपको बताना है हम्म hmm, आंसर क्या होगा जल्दी बताइए अभी क्या हुआ है एक्सरसाइज का आयोजन किया गया और ये जो आयोजन है मे 2023 में किया गया था जो कि कैसी एक्सरसाइज है ये हमारी नेवी एक्सरसाइज है तो कोई ना कोई आयन भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करने गया होगा ठीक है कौन सा आइएस गया था आयन कवारती कवार कवारती ने इसमें पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज को किसके साथ में किया गया इंडोनेशिया इंडोनेशिया के साथ में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए किस सेना के द्वारा ब्रह्मोज सुपरसोनिक मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है आपको बताया ब्रह्मोज मिसाइल जो कि हमारे देश की सबसे पावरफुल मिसाइल कही जाती है मिसाइल ठीक है तो इस मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था आपको पता नहीं किसने टेस्ट फायर किया था क्योंकि दोबारा जब इसका टेस्ट फायर किया गया है अभी की अगर हम बात करें इसकी जो रेंज है वो कितनी हो चुकी है देखो पहले 290 थी अब ये हो चुकी है कितनी साढ़े चार सौ किलोमीटर कौन सी कंट्री के साथ में मिलकर हमने इसको बनाया है रशिया के साथ में मिलकर इसको बनाया गया है ठीक है अच्छा तो अभी बताना है आपको कि ये जो मिसाइल है इसे टेस्ट फायर किया था किसने टेस्ट फायर किया था आंसर क्या हो जाएगा इंडियन नेवी ने इसको टेस्ट फायर किया था एक बार इसे सेशन के लिंक को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ में ठीक है ताकि सब लोग हमारे साथ में कनेक्ट हो सके जल्दी से इतना सा काम बिना कहीं कर दिया करो ओके संजय वीर पल्लव आ चुके हैं काफी बच्चे क्लास में वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अच्छा कहाँ से इसको टेस्ट किया गया ये ध्यान रखिएगा आई एन गोवा से टेस्ट फायर किया गया और ये जो है प्रोजेक्ट फिफ्टीन ए के तहत डेवलप किया गया आई है जिसमें टोटल चार आई को डेवलप किया हुआ है आई सूरत हो जाएगा आई एन इम्फाल है वाइजेग है और मोरमुगवा ये चार आई इस प्रोजेक्ट में आते हैं ठीक है नेक्स्ट ब्रह्मोज एक क्रूज मिसाइल है सुपर सोनी क्या है क्रूज मिसाइल है नेक्स्ट माय लाइफ एप्लीकेशन जो है लाइफ का मतलब क्या है यहाँ पे लाइफ का मतलब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट लाइफ स्टाइल फोर एनवायरमेंट एनवायरमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया था बिकॉज़ क्या हुआ था 2021 के अंदर आया था एक इंडेक्स किस चीज को लेकर को लेकर इसमें इंडिया जो था वो वन नंबर पे था 2021 हजार का डाटा था ये ठीक है तो इसीलिए मोदी जी ने क्या किया उस समय लाइफ नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था इसके लिए एनवायरमेंट के लिए इसे लॉन्च किया गया था यह ध्यान रखिएगा ठीक है लाइफ के नाम से इस पहल को लॉन्च किया नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है बीन गिवन द बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड एट द साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल जो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल थी इसके अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है ये कौन से फिल्म को दिया गया था बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड कौन से फिल्म को दिया गया था ये आपको बताना है गोरी सनातन गौरी तो मिसाइल है एक किसकी पाकिस्तान की मिसाइल है सनातन कल्याण या फिर फ्यूचर ऑफ इंडिया भारत का भविष्य क्या होगा आंसर यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए इज सनातन ये ये जो फिल्म फिल्म है साउथ एशियन फेस्टिवल अंदर बेस्ट फिल्म चुनी गई थी ठीक है बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला था इसको सॉरी क्या मिला था बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जो है वो इस फिल्म को दिया गया था ठीक है नेक्स्ट इनमें से कौन सा खेल थर्टी सेवेंथ नेशनल खेलों में शामिल किया जाएगा कौन सा शामिल किया जाएगा देखो थर्टी सेवेंथ एडिशन है किसका नेशनल गेम्स का जिसका आयोजन हो चुका है कहां पर इसका आयोजन किया गया गोवा के अंदर इसका आयोजन किया थर्टी सिक्स जो एडिशन था ये कहां पर हुआ था गुजरात के अंदर इस बार के एडिशन में मैक्सिमम मेडल्स किसने जीते महाराष्ट्र ने जीते पांच नए खेल इसमें शामिल किए गए थे इनमें से बताओ कौन सा है, कौन सा खेल है जो शामिल किया गया था गटका गटका की बात करते हैं तो ये क्या है गटका इज अ मार्शल आर्ट कौन से स्टेट की है पंजाब की एक होता है गटका और एक होता है खटका ये दोनों ही पंजाब की मार्शल आर्ट है अच्छा इसे जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी शामिल किया गया था ठीक है ये भी ध्यान रखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो एडिशन था फोर्थ वाला एडिशन जो था जो पंचकुला में हुआ था उसमें भी तो पांच नए खेल और एक योगासन को शामिल किया था, जिसमें एक गटका था आर्ट है इज इट ओके नेक्स्ट जी नेक्स्ट क्वेश्चन वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेताओं की लिस्ट जारी की गई है वनडे वर्ल्ड कप 2000 वर्ल्ड कप का तो नाम ही मतलब मैडम ऐ पहले ही मूड खराब हुआ पड़ा अरे दिल टूटे हैं भैया दिल टूटे हैं सबके हैं चलिए okay. कोई बात नहीं अप है हम इसमें भी खुशी की बात है ये भी कम खुशी की बात नहीं है वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेताओं की सूची जारी की गई है आपको बताना है कि इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया था आंसर <coughs> सॉरी इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया था आंसर ओके okay. बिल्कुल तो जिन्होंने आंसर किया है ऑप्शन नंबर ए इंडिया या करेक्ट है इंडिया के अंदर इसका आयोजन किया गया अच्छा ये जो टूर्नामेंट है इसकी शुरुआत कब से होती है और इसका जो पहला मैच है ये कहाँ पर खेला गया था तो देखो ये इसकी शुरुआत की अगर मैं बात करती हूँ तो बेसिकली ये जो वनडे वर्ल्ड कप ये जो आपका टूर्नामेंट है 1987 से इसमें 50 ओवर्स की शुरुआत हुई इससे पहले जो है ये 60 ओवर का मैच हुआ करता था जब इसकी शुरुआत हुई थी 1975 के अंदर तब इसमें 60 ओवर हुआ करते 87 में क्या कर दिया इसमें 50 ओवर कर दिया ये तो आप सभी जानते होंगे सब क्रिकेट के दीवाने हैं यहाँ पे सबको पता होगा ये चीज है कि नहीं लेकिन 1987 के अंदर मुझे ये बताइए कि क्रिकेट को किस नाम से जाना जाता था जो मैंने सुबह वाली क्लास में आप लोगों को बताया था 1987 के अंदर जो मैच हुआ था ये किस किस के बीच हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ था ठीक है आपको बताना है कि ये वाला जो मैच हुआ था इसको किस नाम से जाना जाता था तो इसे कहा जाता था रिलायंस कप क्या कहा गया इसे रिलायंस कप कहा गया जब इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में तब इसे प्रोडेंशियल कप कहा जाता था ठीक है जो आज हम आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप कहते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप कहते हैं ऐसे ठीक है इसे. आगे देखो हाँ तो यहां पर आप देखोगे पूरी जो लिस्ट है वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है पीडीएफ आप लोगों को ऑलरेडी इसका मिल चुका है तो यहां पर 1975 से लेकर के 2023 तक का डाटा जो है वो दिया हुआ है आप 2023 के अंदर आप लोग भर लीजिएगा आप लोग को पता ही है किसने क्या जीता है है कि नहीं हम्म तो यहां पर अगर जीता वनडे वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो पांच बार जीत चुका है प्लस वन भी कर दो आप ठीक है एक टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री हो जाएगा इंग्लैंड ने एक बार इंडिया जो है वो दो बार जीता है 1983 में और 2011 में 83 वाला जो हमने जीता था वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2011 वाला हमने जीता श्रीलंका के खिलाफ ठीक है न्यूजीलैंड ने एक भी बार नहीं जीता है पाकिस्तान ने एक बार जीता है 92 के अंदर श्रीलंका ने 96 में वेस्ट इंडीज पहला और दूसरा जो एडिशन था वो वेस्ट इंडीज ने जीता लगातार दो बार जीता है उसके बाद बेचारे का खाता ही नहीं खुला 75 फर्स्ट एडिशन हुआ था वर्ल्ड वर्ल्ड कप का 79 सेकंड दोनों का आयोजन इंग्लैंड के अंदर ही किया गया था दोनों आयोजन इंग्लैंड में हुए और दोनों वेस्ट इंडीज ने जीते थर्ड एडिशन हुआ था 1983 में जो कि इंग्लैंड में ही हुआ था और ये जीता था इंडिया ने ठीक है नेक्स्ट विच कंट्री हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री ऑफ इंडिया भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बन गया है सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है ये कौन सा बन चुका है और किसका एक्सपोर्ट कंट्री ऑफ इंडिया अच्छा जहां पर इंडिया जो है सबसे ज्यादा क्या करता है एक्सपोर्ट करता है तो कौन सी कंट्री को हम सबसे ज्यादा जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं नीदरलैंड्स को ये अभी 2022-23 का डाटा है अमेरिका और यूएई के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है इन देशों में हम क्या भेजते हैं क्या चीज बेचते हैं पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हो गए इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए केमिकल्स हो गए एल्यूमिनियम का सामान हो गया ये हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो वो सबसे ज्यादा नीदरलैंड में होता है और उसके बाद यूएसए और उसके बाद यूएई जो है वो तीसरे नंबर पे आता है ठीक है लेकिन अगर मैं वेपन्स की बात करूं, वेपन्स की या फिर डिफेंस की बात करूं तो डिफेंस के सेक्टर में सबसे बड़ा इम्पोर्टर कौन है और एक्सपोर्टर कौन है तो देखो इंपोर्टर जो है इंपोर्टर ये तो है इंडिया और सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है ये है यूएसए ये कौन सी कंट्री है यूएसए ठीक है फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंस्टॉल ड्रोन सर्वेलैंस सिस्टम इन ऑल इट्स पुलिस डिस्ट्रिक्ट कौन सा राज्य अपने सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हाँ जी जहां पर क्या किया गया है ड्रोन सर्वेलैंस के लिए यानी निगरानी रखने के लिए ड्रोन सिस्टम का यूज किया गया है अब ड्रोन के माध्यम से क्या किया जाएगा निगरानी रखी जाएगी तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य कौन सा स्टेट जो है वो फर्स्ट स्टेट बन चुका है बताइए कौन सा स्टेट फर्स्ट बन चुका है केरला बिल्कुल सही है आंसर क्या हो जाएगा केरला हो जाएगा तो यहां पे ड्रोन के माध्यम से निगरानी अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं ड्रोन जो सिक्योरिटी सिस्टम है ये कब इंट्रोड्यूस किया गया किसके नाम से ड्रोन पॉलिसी आई थी 2021 के अंदर फर्स्ट स्टेट कौन सा बना था इसको लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश बना था ठीक अभी एक ड्रोन है जिसका नाम है मार्क ये कौन सी कंट्री से लिया है हमने ये बता दो जल्दी से ये जो ड्रोन है ये कौन सी कंट्री से लिए गए हैं? हाँ और बेटा आंसर आंसर तो कर ही दो साथ में सेशन को लाइक like भी कर दो जितना वॉचिंग चल रहा है ना एटलीस्ट उतना सेशन को लाइक like कर दिया करो बहुत ही तुम लोग कंजूसी करते हो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कंट्री हैज रिकॉर्डेड द फर्स्ट डेथ ड्यू टू पोलियो दिस इयर पोलियो की वजह से पहली डेथ जो है ये कौन सी कंट्री में हुई थी इस साल यानी कि 2023 की बात करते हैं हम कौन सी ऐसी कंट्री जहां पहली डेथ हुई है वो भी पोलियो की वजह से हाँ जी कौन सी कंट्री थी भाई इसराइल ठीक है करेक्ट है इसराइल ने हेरो मार्क टू ड्रोन जो है ये दिया है किसको इंडिया को बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे क्या होगा और आंसर यहां पे होगा अफगानिस्तान हार्ट ऑफ एशिया इसे क्या कहा जाता है हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है भाई 2020 के अंदर इसमें 56 मामले जो है वो सामने आए थे इंडिया के अंदर पोलियो पूरी तरह से खत्म हो चुका है आप मुझे वो ईयर बताइएगा जब इंडिया जो है पोलियो फ्री हो चुका था बता दो जल्दी से वो ईयर कौन सा था पोलियो की जो वैक्सीन है इसकी खोज किसने करी थी जोनास साल्क ने करी थी पोलियो की वैक्सीन की खोज ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार साथी पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय आपको बताना है संचार साथी पोर्टल जो है ये किसने लॉन्च किया था सेंट्रल गवर्नमेंट नीति आयोग ये नीति आयोग होगा ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट संचार साथी पोर्टल 2014 में करेक्ट है पोलियो फ्री वेरी गुड सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था संचार साथी पोर्टल को ठीक है और मिनिस्ट्री किसके पास में है दूर संचार मंत्रालय अश्विनी वैष्णव जी के पास में है ठीक है इस पोर्टल के जरिए क्या किया जा सकता है अगर आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाता है तो आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन को ट्रैक कर सकते हैं और लोकेशन का पता लगा सकते हैं ठीक है तो ये जो फैसिलिटी है वो इस पोर्टल के अंदर दी जा रही है पूरे देश में इसको उपलब्ध कराया जाएगा ऐसे में आज से कोई भी इस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकता है नेक्स्ट विवाद से विश्वास योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री विवाद से विश्वास एक योजना है ठीक है इस योजना को लॉन्च किया था कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था ये आपको बताना है ये जो योजना है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया हम्म विवाद से विश्वास योजना बताओ जल्दी से क्या मतलब है इसका देखो 2023 के अंदर इस योजना को लाया गया था ठीक है इसमें बोला गया कि कोविड की वजह से ऐसे लोग एमएसएमई सेक्टर में जो जुड़े हुए थे जिनका क्या है यू नो जो आ, काम है वो कम हो चुका है अर्निंग जो है वो कम हो चुकी है तो ऐसे लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग उनको हेल्प करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस योजना को लॉन्च किया इसका नाम है विवाद से विश्वास योजना ठीक है निर्मला सीतारामन जी के पास में ये मिनिस्ट्री है जिन्होंने इसको लॉन्च किया था ठीक है है ये डेट पर दी हुई चार दो हजार तेईस को लॉन्च किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया जेएनएस एडीसी वन फिफ्टी वन वॉज फर्स्ट सक्सेसफुली टेस्टेड बाय डैश एंड इंडियन नेवी इंडियन नेवी और किसके द्वारा पहला इसका सफल परीक्षण किया गया था जो पूरी तरह से क्या है स्वदेशी एडीसी वन फिफ्टी वन आंसर बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ये एक विमान है क्या है ये एक एयरक्राफ्ट है जिसको टेस्ट फायर किया गया टेस्ट किया गया जिसको फ्लाइट टेस्ट है ये बताओ भाई जल्दी से क्या होगा ए डी सी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर क्या है एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 151 ये एयरक्राफ्ट है? है इसको टेस्ट किया है किसने टेस्ट किया डी आर डी ओ ने इसको टेस्ट किया है ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर हाँ ह hmm. क्या हो गया मिस दिक्कत परेशानी एक तो तुम्हारा जैसा नाम है वैसे तुम्हारा मूड रहता है जब देखो हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस ऑफ फ्रीडम इंडेक्स 2023 तो ये आप सभी जानते हैं कि जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था इंडिया इस लिस्ट में 160 अच्छा इसमें हमारी रैंक गिरी है ठीक है इसमें जो है <coughs> कोई सुधार नहीं हुआ है अब भाई 150 151 पे थे 150 की लाइन में थे 161 पे पहुंच गए हैं इसमें टॉप पे कौन सी कंट्री है तो ये है नॉर्वे और ये इंडेक्स बताता है कि, कि किसी भी कंट्री की जो प्रेस है जो मीडिया है वहाँ की उसको कितना फ्रीडम है ये बताता है ये इंडेक्स 180 देशों में से आई थी सोचो कहा है हम हाँ? है ना बड़े ही बुरे हाल है अच्छा ये तो तब है जब मीडिया वाले फिर भी मतलब एक की चार वो अभी भी बताते हैं अभी सोचो उनको इतना फ्रीडम है अभी भी हम उनकी बातों पे भरोसा नहीं करते हैं काफी हद तक अगर उनको पूरा फ्रीडम दे दिया जाए तो फिर सोचो क्या हाल होंगे है? मतलब इंडिया में जो फ्रीडम दिया हुआ है उतना सही ही है देखा जाए तो रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज यूनिटी एंड ट्रीब्यूट कैम्पी किस संस्था के द्वारा एकता और श्रद्धांजलि अभियान का आयोजन किया गया किसका एकता और श्रद्धांजलि अभियान का आयोजन किया गया था अभी बताइए 2023 के अंदर किसने किया था इसका आयोजन विच इज योर करेक्ट आंसर अभी उसका हैप्पी वाला बर्थडे था सिक्सटी नंबर का इसी उपलक्ष में किया गया आयोजन किसका बर्थडे था इस साल ब्रो इसकी बात कर रहे हैं हम सिक्सटी फोर्थ बर्थडे किसका था इस साल ब्रो का था है भैया जी का था अब ये है बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन इन्हें कब बनाया जाता है इन्हें बनाया गया था 1960 के अंदर तो इन्हीं के हैप्पी वाले बर्थडे पर क्या एकता और श्रद्धांजलि कैंपेन जो है ये कैंपेन चलाया गया था ये कैंपेन इसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है दिल्ली के अंदर बी का का काम होता है बॉर्डर पर रोड बनाना ठीक है जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे रोड बनाने का ये काम करता है नेक्स्ट देखो ऑफ़ in आपको बताना है कि सिक्स्थ मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी जो है इंडिया की ये कौन सी बन चुकी है ये कंपनी कंपनी कौन सी बन चुकी है आंसर विप्रो, टीसीएस, आई टी सी या फिर एचसीएल टेक्नोलॉजीज बन चुकी है कौन सी कंपनी बन चुकी है जो कि नंबर सिक्स पर आने वाली वैल्यूएबल कंपनी है क्या नाम है इसका आई टी सी कौन सी आई टी सी है ठीक है ठीके? इसने इन्फोसिस को भी पीछे छोड़ दिया है इन्फोसिस इन्फोसिस जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर आपको मिलता है नारायण मूर्ति जो है वो इसके हेड हो जाएंगे ठीक है तो भाई आईटीसी की बात करते हैं तो एक साल के अंदर बात करिए इसके शेयर की कीमत जो है, परसेंट और 2023 में अब तक 24 परसेंट इंक्रीज हो चुकी है इसने इन्फोसिस को भी पीछे छोड़ दिया है अब ये आ चुकी है टॉप नंबर सिक्स पे आ चुकी है ठीक है नेक्स्ट इन विच ऑफ दीज स्टेट बैकवर्ड क्लासेस सर्वे हैज बीन स्टार्टेड किस राज्य में बैकवर्ड सर्वे जो है वो स्टार्ट हुआ है अभी मतलब पहली बार बैकवर्ड सर्वे जो स्टार्ट हुआ है वो कौन से स्टेट के अंदर शुरू किया गया इसके अंदर क्या है इसके अंदर होगा जो ओबीसी वाले लोग हो गए ठीक है एस वाले हो गए तो जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस हो गई उन सभी की काउंटिंग की जाएगी उनकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है ताकि उनके लिए जो है नई योजनाएं कुछ लाग, लागू की जा सके एक उसके लिए प्रॉपर डाटा होना चाहिए उसी के लिए क्या किया गया है सर्वे किया गया ऐसा करने वाला ये पहला राज्य नहीं है इससे पहले बिहार ने ऐसा किया अब दूसरे नंबर पे आ चुका है ओडिशा अभी कहा किया गया ओडिशा में कौन है यहाँ पे सीएम नवीन पटनायक जो है वो यहाँ के सीएम है और इन्होंने अभी सर्वे किया है ठीक है जिसमें ओबीसी के जो लोग हैं वो कितने हैं ठीक है थीके? बाकी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उसके लोग कितने हैं तो एक काउंटिंग की गई है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ठीक है नेक्स्ट रिसेंटली राजनाथ सिंह हैज गिफ्टेड अ फास्ट पेट्रोल वेसल एंड लैंडिंग क्राफ्ट टू विच कंट्री अभी राजनाथ सिंह के द्वारा किस देश को उपहार के रूप में तेज गस्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है आंसर कौन सी कंट्री को अभी राजनाथ सिंह जी जो है वो विजिट पर गए हुए थे ठीक है वहीं पर उन्होंने भारत की ओर से ये गिफ्ट दिया है भारत की ओर से क्या दिया है एक गिफ्ट दिया है और वो भी किस चीज के लिए दिया है कि भैया इंडियन आशियंस के अंदर जो भी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं आप उन्हें फेस करो और इसमें क्या है ये एयरक्राफ्ट आपको काम देगा तो कौन सी कंट्री मॉलदीव्स दिस इज मॉलदीव्स ठीक है दिस इज मॉलदीव्स तो मॉलदीव्स को ये गिफ्ट दिया गया है एक लैंडिंग क्राफ्ट दिया गया है ओलंपिक्स सिल्वर मेडलिस्ट नाइजल एमोस हैज बीन बैन फॉर हाउ मेनी इयर्स फॉर डॉपिंग अभी भाई एक ओलंपिक विजेता है निजेल अमोस इनका नाम है इनको टेस्ट टेस्ट में में फेल ये टेस्ट में क्या है पॉजिटिव पाए गए हैं तो इनको कर दिया गया है बैन ठीक है आपसे पूछा जा रहा है कि कितने साल के लिए ने बैन किया गया तीन साल के लिए ने बैन किया गया अब देखो ओलंपिक्स की अगर बात करते हैं ओलंपिक्स के अंदर आपको पता है क्रिकेट शामिल नहीं है ठीक है कौन सा ईयर है जब क्रिकेट को शामिल किया जाएगा तो ये किया जाएगा टू थाउजेंड ट्वेंटी एट में जो कि होने वाले हैं लॉस के अंदर इससे पहले क्रिकेट एक बार ऑलरेडी शामिल हो चुका है उन्नीस सौ में जब ओलंपिक्स का आयोजन हुआ था तब क्रिकेट पहली और आखिरी बार इसमें शामिल हुआ था ठीक है तब पहली और आखिरी बार इसका आयोजन किया गया था ये हुआ था कहा पे पेरिस के अंदर ये समर ओलंपिक्स थे जिसे जीता था ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस को हरा के नेक्स्ट व नेम ऑफ द फॉर्मर कर्नाटका जज हुटली अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया बाय द दिल्ली हाईकोर्ट अभी कर्नाटका के पूर्व जज कौन है जिन्हें भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का एडमिनिस्ट्रेटर <coughs> बनाया गया है आपको बताना है इनका नाम क्या है बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर हाँ जी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अपॉइंट किया गया जस्टिस पी कृष्णा भट्ट को किन्हें बनाया गया जस्टिस पी कृष्णा भट्ट को बनाया गया नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्लान टू मेक रामालैंड ऑन द बेसिस ऑफ डिजनीलैंड ये कहां पर प्लान किया गया अयोध्या के अंदर योगी जी ने कहा कि हम बनाएंगे रामालैंड जिसमें क्या है रामायण की जो पूरी कहानी है वो डिजिटल कार्टून एनिमेशन के माध्यम से लोगों को दिखाई जाएगी बिल्कुल वैसे जैसे कि डिज्नीलैंड है ठीक है बिल्कुल वैसे ही रहेगा रामालैंड नेक्स्ट रिसेंटली इन विच कंट्री द स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी हेज बीन अनवील्ड बाई देवेंद्र फडनवीस अभी ये महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम हैं, देवेंद्र फडनवीस जो हैं। इन्होंने छत्रपति शिवाजी की एक प्रतिमा है जिसको अनवील किया है आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री के अंदर अनवील किया गया है तो कंट्री कौन सी हो जाएगी मॉरिशस कौन सी कंट्री में अनवील किया गया है मॉरिशस के अंदर अनवील किया गया है ठीक है नेक्स्ट Recently, which organization has started the unity and tribute campaign to honor and remember the sacrifice and contribution of its karma yogis? हाल ही में किस संस्था के द्वारा एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान अपने कर्मयोगियों के बलिदान और योगदान को सम्मान देने एवं स्मरण रखने हेतु शुरू किया गया आंसर एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान ने अपने कर्मयोगियों के बलिदान के लिए और योगदान देने के लिए क्या है एक स्मरण रखने हेतु शुरू किया था किस संस्था के द्वारा इसे शुरू किया गया विच ऑर्गेनाइजेशन आंसर क्या हो जाएगा ब्रो बिल्कुल रोड पर बी आर रोड ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इस अभियान का क्या किया आयोजन किया गया जिसमें मोटरसाइकिल रेस रही थी थू अरुणाचल प्रदेश से जो कि स्टार्ट हुई थी Which state, uh, which leader, किस राज्य के समाजवादी नेता पंडित रामकिशन की नाइंटी सेवन इस की एज में मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि मिली तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं पंडित रामकिशन पंडित रामकिशन जो है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं ठीक है जिन्हें क्या हुआ है मैन ऑफ द सेंचुरी चुना गया है ये राजस्थान से है अब 97 की एज में जो है इनकी इनको ये जो टाइटल है वो दिया गया है इज इट ओके Next, ये बेसिकली लोकसभा के सदस्य के रूप में नॉमिनेट हो चुके हैं सिक्सटी टू सिक्सटी भी राजस्थान विधानसभा के लिए चार बार ये चुने जा चुकी हैं तो मैन ऑफ द सेंचुरी का टाइटल इनको दिया गया था समाजवादी नेता के रूप में उनके योगदान के लिए इन्हें ये टाइटल मिला था दिल्ली के अंदर नेक्स्ट विच कंट्रीज थ्री वोमेन जर्नलिस्ट है टॉप यूनाइटेड नेशन अवार्ड किस देश के तीन महिला पत्रकारों को जो है टॉप जर्नलिस्ट अवार्ड दिया गया है ऑफ यूनाइटेड नेशंस तो ये कौन से देश के तीन पत्रकार महिलाएं हैं किस देश के विच इज आंसर ईरान क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर दैट इज ईरान ठीक है ईरान की ये तीन महिलाएं हैं जेल में बंद तीन महिला पत्रकारों को दिया गया इनका नाम निलाफर हमेदी, अलाहे मोहम्मदी नरगिस मोहम्मदी ये तीन महिलाएं हैं जिन्हें दिया गया ये अवार्ड यूनाइटेड नेशंस का अवॉर्ड है फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर फाइव थाउजेंड रन इन ओडियाई क्रिकेट ओडीआई क्रिकेट में पांच हजार फास्टेस्ट रन बनाने वाले जो प्लेयर हैं ये कौन बन चुके हैं तो इनका नाम क्या है ये है बाबर आजम बने थे ठीक है पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम 2023 को न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में इन्होंने इतिहास रचा और पांच हजार रन बनाने वाले ये फास्टेस्ट बल्लेबाज बने एक सौ एक इनिंग्स में इन्होंने पांच हजार रन पूरे किए 101 इनिंग्स में 5000 रन पूरे किए इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज द कंडक्टेड द इंटीग्रेटेड सर्विलांस एंड फायर पावर एक्सरसाइज आर्म्ड फोर्सेज ने आपको बताना बताने की कि निगरानी और मारक क्षमता का अभ्यास किया उसका नाम क्या है आपको बताना है उसका नाम क्या है इज exercise? एक एक्सरसाइज exercise कंडक्ट की गई है यहाँ पर ठीक है आर्म्ड फोर्सेस इस एक्सरसाइज का नाम क्या है बुलंद विच नेम बुलंद बुलंद एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था अभी ठीक है भारतीय सेना ने इसका आयोजन किया और अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया था ठीक है फर्स्ट फार्मा पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला फार्मा पार्क बनाया जाएगा पहला फार्मा पार्क बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में ये बनाया जाएगा विच इज य आंसर क्या हो जाएगा? ललित नगर आंसर ललित नगर ठीक है ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर पहला ये फार्मा पार्क बनने जा रहा है तो इसके अंदर क्या होगा इसमें मेडिकल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी 1560 करोड़ रुपए से इसको स्टार्ट किया गया नेक्स्ट

ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर ठीक है तो इसके अगर हम बात करते हैं यूएससीआई ये क्या है एक इंडिपेंडेंट बोर्ड इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये होता है यूएस फेडरल गवर्नमेंट कमीशन यूएस फेडरल गवर्नमेंट कमीशन होता है ये इस डिफेंडिंग द यूनिवर्सल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ एब्रोड यानी कि देखो सभी देशों के अंदर रिलीजन को लेकर कितना फ्रीडम दिया गया है इस चीज को लेकर ये रिपोर्ट जो है वो जारी करता है ठीक है तो दिस इज एस्टब्लिश बाय यूएस गवर्नमेंट यूएस के द्वारा इसको एस्टब्लिश किया गया था वहीं पर क्या है इसका हेडक्वार्टर मिलता है 1998 के अंदर ओके ये क्या है एडवाइजरी बॉडी है फॉर द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन नेक्स्ट टू बोस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय डॉकी लैंड पोर्ट इन वेस्ट जैंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में एक पोर्ट जो है वो बनाया गया है ठीक है केंद्रीय मंत्री नित्यानंद नाव ने डाउकी भूमि बंदरगाह एक पोर्ट जो है इसको इनाइगोरेट किया है आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी जगह पे इस पोर्ट को इनेगोरेज किया गया है कौन सी जगह पे ये जो पोर्ट है वो बनाया गया है तो क्या हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सी जगह पे पोर्ट बनाया गया है मणिपुर के अंदर पक्की बात है और अगर मैं कहूँ मेघालय के अंदर बनाया गया है आंसर क्या होगा मेघालय होगा ठीक है मेघालय के अंदर एक फोर्ट बनाया गया है नेक्स्ट एज पर द रिसेंट अनाउंसमेंट इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विल बी सेटअप इन विच स्टेट हाल ही की घोषणा के अनुसार भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये कौन से स्टेट में बनाया जाएगा ये होगा हमारे देश का फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क फर्स्ट लॉजिस्टिक पार्क ये बनाया जाएगा आसाम के अंदर लेकिन अगर पूछ लिया जाए लार्जेस्ट वाला सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क तो ये कहाँ पे बनेगा गुजरात के अंदर सबसे बड़ा जो लॉजिस्टिक पार्ट पार्क है ये कहाँ बनेगा गुजरात के अंदर लेकिन फर्स्ट वाला पूछा जाएगा तो आंसर करके आओगे आसाम के अंदर ठीक है आसाम के भी कौन कौनसी जगह पे जोगी घोपा जोगी घोपा के अंदर इसको बनाया जाएगा ठीक है नेक्स्ट विच स्टेट एज बीन रैंक्ड एज द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट अकॉर्डिंग टू द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे आपको बताना है कि अभी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया था सबसे यानी कि इनोवेशन जहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है इनोवेशन का मतलब होता है नई नई चीजों का आविष्कार करना खोजना नई नई चीजों को है ना तो इसमें कौन सा स्टेट जो है वो नंबर वन पे रहा था इसमें आया था नंबर वन पे कर्नाटका कर्नाटका जो है वो इसमें नंबर वन पे रहा नेक्स्ट नेक्स्ट व्हाट इज इंडिया ग्लोबल इनिशिएटिव टू कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज एंड प्रमोट सस्टेनेबल लिविंग टू अचीव द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने और टिकाऊ जीवन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया की एक ग्लोबल पहल है आपसे पूछा जा रहा है उसका नाम क्या है उस पहल का नाम क्या है मिशन लाइफ ठीक है उसका नाम क्या है मिशन लाइफ नाम है इसका सस्टेनेबल आ गया तो और क्या होगा आंसर मिशन लाइफ ये एनवायरमेंट के लिए हमने पहले देखा था मोदी जी ने इस पहल को लॉन्च किया था ठीक है नेक्स्ट अ टीम ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड इंडिया विजिटेड डैश नेशनल पार्क टू रिव्यू द स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट चीता प्रोजेक्ट चीता जो लाया गया था आपका ठीक है तो इसके अंदर क्या है इसके अंदर एक के जो टीम है, उसने इस प्रोजेक्ट के अंदर समीक्षा करने के लिए विजिट किया कौन से नेशनल पार्क में डैश नेशनल पार्क का दौरा किया चीताज को कहाँ पे लाया गया था नेशनल पार्क में है ना चीताज पहले आए थे कितने आठ चीताज आए उसके बाद फिर बारह चीता और आए अभी टोटल क्या बोला जा रहा है सो चीता जो है वो लाए जाएंगे तो कुनो नेशनल पार्क में सबसे पहले रखा गया था ठीक है ये याद रखेगा नेक्स्ट आई मगर द ओल्डेस्ट अच्छा ये नेशनल पार्क एमपी के अंदर है ठीक है नेक्स्ट द ओल्डेस्ट लैंडिंग शिप है आई मगर ऑफ द इंडियन नेवी हैजीन डीकमीशन आफ्टर सर्विंग फॉर हाउ मेनी ईयर्स कितने साल की सर्विस के बाद में इसको क्या किया जा रहा है रिटायर किया जा रहा है कितनी साल की सर्विस के बाद में इसको अभी रिटायर किया गया है तो 36 जो है वो सर्विस की है लॉन्च किया गया था नाइनटीन एटी सेवन के अंदर इसको शामिल किया गया सेना में गार्डन विच शिपयार्ड लिमिटेड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने इसको डेवलप किया है नेक्स्ट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर इन डैश हमारे देश का पहला एक हेरिटेज सेंटर बनाया जा रहा है ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन सी जगह पे इसको बनाया गया है कहां पर इसे इनगोरेट किया गया है हम्म कौन सी जगह पे इसे इनागोरेट किया गया है ये आपको बताना है क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा पक्की बात है आहा? अगर मैं कहूं सब आंसर गलत है बेंगलुरु नहीं होगा तो ये एक हेरिटेज सेंटर होगा ठीक है ये क्या है एक हेरिटेज सेंटर है इंडियन एयरफोर्स चंडीगढ़ में हेरिटेज सेंटर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर देखो इंडियन एयरफोर्स के जितनी भी पुरानी चीजें हैं कि पहले कौन से एयरक्राफ्ट यूज होते थे कौन से इंजन यूज होते हैं वो सारे एक म्यूजियम की तरह आपको एग्जीबिशन की तरह दिखाया जाएगा ठीक है तो ये क्या है हेरिटेज सेंटर बना दिया ताकि लोग जाए देखें यादगार चित्र जो है वो भी बनाए गए हैं इसके अंदर ओके तो ये पंजाब के चंडीगढ़ के अंदर एक हेरिटेज सेंटर जो है ये ओपन किया गया है इसमें 1965 1971 कारगिल वॉर 1999 बालाकोट हवाई हमला ये सारी जो चीजें हैं उनके बारे में जो यादगार है वो सब दर्शाया गया है ठीक है चलो सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन गाइस बस आज के लिए इतना ही करेंगे अब आपसे मुलाकात करेंगे हम कल सुबह वाले सेशन में डेली करंट अफेयर्स वाले सेशन में ठीक है हां भाई किसी को कुछ पूछना है हम्म अभी देखो आपकी एग्जाम में बचा है सिर्फ एक हफ्ता तो एक हफ्ता बचा है सिर्फ एग्जाम में तो भाई अब थोड़ा सा जम के तैयारी कर लो और एक और चीज बोलोगे जिन्होंने ए का पेपर देना है अभी दो हजार चौबीस का भी फॉर्म भर देना ठीक है एस एस सी जई दो हजार चौबीस जिसका कैलेंडर आ चुका है उसकी तैयारी शुरू कर दो अभी से आप लोगों ने दो हजार तेईस का पेपर देख ही लिया होगा पेपर इतना आसान नहीं आता है पेपर को थोड़ा सा टफ कर दिया गया है अब करंट की चीजें ज्यादा है बाकी पोर्शन कम हो चुका है तो बेटर है कि थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान देना स्टार्ट करो ओके ठीक है चलो ओके गाइस तो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको मेरी आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इसी के साथ में सेशन को करते हैं एंड अब आप आपसे मुलाकात करेंगे कल मैम ये तो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे हाँ ये करंट के क्वेश्चन थे यही क्वेश्चन है क्योंकि आपका ए आई का जो पेपर उसमें करंट अफेयर ही आना है सबसे ज्यादा आपका ठीक है उसमें करंट अफेयर ही भरा पड़ा होगा आपका चलो ओके गाय थैंक यू सो मच बाय बाय एंड टेक केयर